Vidyanjali 2.0. This presentation is presented with the coordination and collaboration of DIIT Gandharbal. Today's topic is Register Your School for Vidyanjali 2.0. Steps of Registration by Shaukat Shyam. First of all, let us talk about Vidyanjali. Vidyanjali is an amalgamation of the words vidya, which means correct knowledge or clarity, and the word anjali means an offering with both hands in Sanskrit language. Now talking about the mission Vidyanjali 2.0. Vidyanjali 2.0 is an initiative taken by the Ministry of Education, Government of India, with the aim to strengthen schools through community and private sector involvement in schools across the country. The initiative would connect schools with varied volunteers from the Indian diaspora, namely young professionals, retired teachers, retired government officials, retired professionals, and many others who are interested in Vidyanjali 2.0. The overall mechanism of providing support to a school can be understood by this diagram. Now steps of registration. Steps of registration bilkul easy hai. Ab hum registration dikhayenge kis tarah karne hai. How to register Vidyalaya or school on Vidyanjali portal. Vidyanjali 2.0 homepage link aapki screen pe dikhai de rahi hai. https://vidyanjali.education.gov.in/en ये लिंक आप अपने वेब ब्राउज़र में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगी। यहाँ से भी आप क्लिक करके यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको करनी है, जब पहली बार करनी है तो न्यू यूज़र करनी है, तो इसमें आप वॉलंटियर एज वॉलंटियर भी रजिस्टर कर सकते हो, बट वी हैव टू रजिस्टर एज स्कूल पे हमें करना है। तो ये इंटरफेस आएगा, यानी यहाँ पे आपका यूडाइस कोड देना होगा यहाँ पे, और कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेम यही लिखना है, और अपने स्कूल का यूडाइस कोड लिखने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट बटन पे हमें क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट करने के बाद आपका इंटरफेस ये वाला आएगा, जैसे आपके स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। तो सारी डिटेल्स जो आपके स्कूल की है यूडाइस डेटा से ये कलेक्ट करेगा, यानी आपके स्कूल का नाम जितना भी जो डेटा है ये यहाँ पे कलेक्ट ऑटोमेटिकली करेगा। बट आपको यहाँ पे आपके ओटीपी के लिए अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा, बट इंश्योर कि आपका मोबाइल नंबर वर्किंग होना चाहिए, और इस पे OTP आएगा, और OTP विद इन 2 मिनट्स आपको देना होगा, तभी ये काम करेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरह आपके स्कूल की डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, और स्टेटस दिखाएगा कि आपके स्कूल आपकी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस इस वक्त पेंडिंग है। स्टिल अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा जो स्टेट्स है रजिस्ट्रेशन का, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल नेम देना होगा, जब सबमिट करना होगा। कभी भी आप ये दे सकते हो कि कितने स्कूल अभी आए हैं, या मेरे स्कूल का अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वॉन्ट मोर सच informative videos. Thanks.